हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुपदों का जोड़, घटाना, गुणा और भाग चारों को एक ही वीडियो में सीखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बहुपद के जो जोड़, घटाना, गुणा और भाग होते हैं उनमें समस्या आती है। नॉर्मल संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब इस तरह के सवाल आते हैं तो उनमें गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि भाई बीजगणित के सवालों से हमें डर लगता है या हमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बीच में कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहां पर क्या है भाई, यहां पर एक्स है, यहां पर एक्स वाई है, यहां पर वाई है, तो इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इन सवालों को हम हल करेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं ताकि आपको इन सवालों को हल करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए तो हमारा देखिए, जैसे कि यहां पर मान लीजिए हम लिखते हैं 3x, ठीक है, और मैं आपसे कहूं कि इसमें आप 3y को जोड़ दो, तो ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ेंगे। हम इनको जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, 3x प्लस का 2y, हम इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं, इससे ज्यादा हम इसको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, इसको क्यों नहीं जोड़ सकते भाई, इसकी जो जाति है वो अलग है, इसकी जाति अलग है। यहां पर क्या है, ये एक्स है और यहां पर जो है वो वाई है, तो इनकी जाति क्या हो गई, अलग अलग हो गई। तो अलग अलग जाति के आपस में क्या होते हैं, विवाह नहीं होते हैं, तो इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि भाई इस तरह की संख्याओं को हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अच्छा जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए 3x प्लस का 2x अगर होगा तो इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर देखिए x है, यहां पर भी x है, दोनों की जाति क्या है, सेम है, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और साथ में x है तो x, ऐसी संख्याओं को हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई जो सेम संख्या होगी उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं, अलग अलग को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे सवालों में वापस। देखो यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो आप इसको कहीं से भी जोड़ सकते हैं, चाहे तो आप यहां से जोड़ें, चाहे आप इस तरफ से जोड़ें, कोई सी भी तरफ से जोड़ेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहां पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में हम जोड़ सकते हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और एक्स स्क्वायर है तो साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर प्लस है तो हम लगाएंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, यहाँ पर भी एक्स वाई है, मतलब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। ठीक है, एक्स वाई है तो साथ में लिख देंगे एक्स वाई। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर क्या है, 2y स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या है, 2y स्क्वायर, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4, तो ये हो गया हमारा 4, और y स्क्वायर है साथ में, तो ये हम लिख देंगे y स्क्वायर। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से हमने इसको जोड़ दिया है। अब आप सोचें कि भाई इनको भी हम जोड़ दें, तो इनको हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भाई यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है, मतलब सभी की जाति क्या है, अलग अलग है, मतलब इनको नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अब आते हैं यहां पर, यह है हमारा घटाना का सवाल। ठीक है, अब देखो यहां पर भी हम क्या करेंगे भाई, समान जाति वालों को ही आपस में घटा बढ़ा सकते हैं, अदर जाति वालों को हम नहीं घटा बढ़ा सकते। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, 8xy स्क्वायर, यहां पर क्या है, 3xy स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए कैसे घटाएंगे, तो देखो यहां पर क्या है, देखो 8xy स्क्वायर, ठीक है, इसमें से हमें घटाना है 3xy स्क्वायर को, तो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5, तो ये हमने लिख दिया 5। अब साथ में क्या है, xy स्क्वायर, तो xy स्क्वायर आएगा साथ में। अब यहां पर देखिए दोनों प्लस हैं, तो यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, xy है, यहां पर भी xy है। ठीक है, अगर यहां पर स्क्वायर होता तो हम इसको नहीं जोड़ पाते। ठीक है, यहां पर दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल ही सेम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो 7 और 4 कितने हो जाएंगे, 11। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप तो यहां पर घटा रहे थे लेकिन ये तो जोड़ हो गया, तो हमें चिन्हों को देखना है, अगर दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ेगा, अगर यहां पर माइनस है तो फिर वो घट जाएगा। ठीक है, तो 7 और 4 कितने हो गए, 11, और साथ में क्या है, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहां पर प्लस है, यहां पर माइनस है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें क्या करना होगा, यहां पर क्या है, 6x स्क्वायर वाई, क्या है, 6x स्क्वायर वाई, यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर वाई, मतलब दोनों की जाति तो क्या है, सेम है। देखिए यहां पर भी एक्स स्क्वायर वाई है, यहां पर भी क्या है, एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है, लेकिन यहां पर जो बड़ी संख्या है वो काय की है, माइनस की है, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, अब यहां पर 6 में से ये एक चला जाएगा, कितने बचेंगे, 5, तो ये हो गया हमारा 5, और
एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, समझ में आया। तो हमने यहां पर समान जाति वालों को आपस में घटा दिया है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए यहां पर है हमारा गुणा का सवाल, ठीक है। तो गुणा का जो सवाल है इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसमें गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। करना क्या है, देखो सबसे पहले आप इसको इस तरीके से मत लिखिए, अगर आप इस तरीके से लिखेंगे गलती हो जाएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि यहां पर क्या है, 2x प्लस 3y और प्लस का क्या है 1 है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहां पर ये जो है इसको हम यहां पर लिखेंगे, क्या है 3x और प्लस का y, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो संख्या है इसका गुणा कर देंगे इन सभी में, ठीक है। इसका हो जाएगा, फिर हम इसका करेंगे इन सभी में, ठीक है, क्लियर। चलिए करते हैं, तो यहां पर 3 का करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 3 दुनी 6, तो ये हो गया हमारा 6x, और यहां पर भी x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। x और x का गुणा करेंगे x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में 3 दुनी कितना हो गया 6, ठीक है, इसको लिख देते हैं अच्छे से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका होगा इसके साथ, तो यहां पर प्लस है, यहां पर भी प्लस है, तो ये हो गया हमारा प्लस, 3 तिरका कितना हो जाएगा 9, तो ये हो गया हमारा 9, और x यहां पर x है और यहां पर y है, तो क्या हो जाएगा x y, ठीक है। गुणा को हम किसी भी जाति वाले के साथ कर सकते हैं, ठीक है भाई, यहां पर y हो, z हो, कुछ भी हो, गुणा तो आपस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर 3 तिरका 9, x और y, तो हमने x y लिख दिया। इसके बाद में यहां पर क्या है प्लस, अब 3 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 3, और x है तो आ जाएगा x, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आएगा हमारा y, अब y का भी हमें इन सभी के साथ करना है, तो चलिए करते हैं। तो ये क्या हो गया, देखो 2 है, तो सबसे पहले क्या आएगा प्लस का 2, और यहां पर x है, यहां पर y है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या x और y, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या x y, क्लियर। इसके बाद में y का इसमें होगा, तो सबसे पहले क्या है 3, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3, और y कितना हो जाएगा, y का गुणा y में करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में यहां पर क्या है प्लस, तो ये हमने लगा दिया प्लस। अब 1 का गुणा y में होगा तो क्या हो जाएगा, y 1 का y में करेंगे तो y ही आएगा, ठीक है। अब अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें इसको और आगे हल करना है। देखिए यहां पर क्या है x स्क्वायर, तो हमें ढूंढना है x स्क्वायर वाली क्या और संख्या है, x स्क्वायर वाली और संख्या नहीं है, सिर्फ एक ही है, ठीक है। अब देखिए यहां पर xy वाली संख्या देखिए कहां कहीं और है क्या, तो देखिए यहां पर xy वाली संख्या यहां पर है, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो ये हो गया हमारा 11xy, ठीक है। इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। इसके बाद में यहां पर ये तो अकेली है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 6x स्क्वायर और ये प्लस, ठीक है। अब देखिए x वाली संख्या एक और है क्या, यहां पर है और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, तो प्लस का ये आ जाएगा हमारा 3x, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए यहां पर 3y स्क्वायर है, ठीक है, तो y स्क्वायर वाली और संख्या कहीं पर भी है नहीं, तो यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 3y स्क्वायर, और y वाली संख्या भी अकेली कहीं पर भी नहीं है, तो प्लस का क्या आ जाएगा y, ठीक है। तो अब जो है हमारा ये आ गया है आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, गुणा के सवालों को हल करते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं यहां पर खिसका देता हूं। अब आता है हमारा भाग का सवाल, तो भाग का सवाल आप देख रहे हैं, देखिए अभी जो भाग का सवाल है इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे YouTube पर आपने वीडियो देखे होंगे उसमें आपको कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा, आप कहीं पर भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। आपको हल करने से पहले क्या करना है, एक इस चीज को फोकस करना है और एक इस चीज को फोकस करना है, ठीक है। तो दोनों चीजों को उठा लीजिए अलग, यहां पर क्या है 7x स्क्वायर और यहां पर क्या है x, तो x को लिख दीजिए इसके नीचे, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 गुणा x गुणा x, ठीक है भाई, 7 और x गुणा x करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और बटे में आ जाएगा हमारा x। अब देखिए x से हमारा x कट गया, क्या बचा 7 और x बचा, क्या बचा 7x बचा, तो जो भी बच गया है उसको लिख दीजिए यहां पर, तो क्या हो जाएगा भाई, यहां पर क्या बचा है हमारा 7x, तो यहां पर हम लिखेंगे 7x, ठीक है, क्लियर, लिख दिया। अब इसको हटा दीजिए, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो 7x है इसका गुणा करेंगे हम इसमें, तो देखिए सबसे पहले 7 है तो 7 लिख दो, और ये x दोनों अगर गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में यहां पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और 2 का गुणा भी इसमें करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो ये हो गया हमारा कितना 14, ठीक है, और यहां पर क्या है x है, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा x, ठीक है, क्लियर है।
चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इनको घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे, देखिए यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो देखिए यहाँ पर 7x² है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये तो क्या होगा आपस में कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब इसके बाद में हमारा क्या बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 14y, तो ये हमने लिख लिया भाई 14y, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाना है तो ये हो गया हमारा माइनस, ठीक है, 14x, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग जाति वालों को हम आपस में नहीं घटा सकते, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया है शेषफल, क्या बन गया है शेषफल बन गया है, ठीक है। और ये जो है हमारा क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम भाग के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आपको भाग को और भी डिटेल में समझना है तो यहाँ पर आई बटन पे मैं एक लिंक दे दूंगा, यहाँ पर आप क्लिक करके जो है आप इसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहाँ पर आप क्लिक करके भी बहुपद का जो भाग है वो अच्छे से आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।